Hello students, I am Dr. Meenakshi Jindal from Dayanand College, Hisar. Today I am here to present a lecture on housefly as mechanical vector. Let's start with the topic. Okay, now we start with our topic, houseflies as mechanical vectors. Mechanical vectors kyun kaha tha humne? Because they carry the pathogenic organism on their body parts or in their feces and then contaminate the food. So these are known as mechanical vectors क्योंकि इसमें life cycle का कोई भी part house fly के अंदर complete नहीं होता. House fly सिर्फ carry करती है pathogenic organism को. So it is known as mechanical vector. ठीक है, ये आपको practical में भी लिखना है house flies वाला. मैं आपको कल को बताऊंगी practical के बारे में. तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिगोटा, सब क्लास डिवीजन एंडोटेरिगोटा और होलोमेटाबोली, ऑर्डर डिप्टीरा, सब ऑर्डर इज साइक्लोरेफा, फैमिली मस्किडी एंड जीनस मस्का, स्पीसीज डोमेस्टिका. तो मस्का डोमेस्टिका मैंने अंडरलाइन नहीं किया यहाँ पर, मैं भूल गई अंडरलाइन करना. अदरवाइज जीनस स्पीसीज दोनों अंडरलाइन करने होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना मस्का डोमेस्टिका आपने अंडरलाइन करना है, जो मैं यहाँ पर भूल गई हूँ अंडरलाइन करना. अब आपको पता है हाउस फ्लाइज कोमेंसलिज्म में रहती है, हमारे साथ ही रहती है, हमारे हैबिटेट के साथ ही रहती है ह्यूमन बींग्स के साथ. तो हाउस फ्लाई लीव्स इन कोमेंसलिज्म विद ह्यूमंस. अब इसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जो इसकी आईज हैं, दीज आर वन पेयर, लार्ज साइज, रेड कलर्ड विद थ्री ऑसिलाई. एंटीना है इसके, वन पेयर है, शॉर्ट है. माउथ पार्ट स्पॉन्जिंग टाइप है, दे आर एडेप्टेड फॉर लिक्विड डाइट. कैसे किया था इन्होंने, सॉलिड फूड पर जब फीड किया तो अपने सलाइवा के थ्रू पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया सॉलिड फूड को, एंड देन टेक दिस लिक्विड डाइट. ओके, सो माउथ पार्ट्स आर स्पॉन्जिंग टाइप. फोर विंग्स इसके जो है, वन पेयर है, मेम्ब्रेनस है, फंक्शनल है. थिन विंग्स इसके रिड्यूस्ड इन साइज है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल हल्टर्स विच हेल्प इन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग फ्लाइट. फ्लाइट के टाइम पर इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसलिए मेटामॉर्फोसिस कम्प्लीट है. जो इसके लार्वा वाली स्टेज है उसको मेगोट्स कहते हैं, बिकॉज दीज आर लेगलेस. इनकी लेग्स नहीं होती लार्वा की, अदरवाइज लार्वा के पास लेग्स होती है, बट हियर इन केस ऑफ हाउस फ्लाइज लार्वी आर विदाउट लेग्स, सो दीज आर नोन एज मेगोट्स. तो लाइफ साइकिल की स्टेजेस होगी एग्स, एग्स कन्वर्टेड इनटू मेगोट्स, मेगोट्स इन द प्यूपा, प्यूपा स्टेज प्रेजेंट है इसीलिए मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट है. प्यूपा का कलर है रेडिश ब्राउन एंड देन दे कन्वर्ट इनटू एडल्ट. ठीक है, अब डिजीज कॉज्ड बाय द हाउस फ्लाइज. सबसे फर्स्ट डिजीज है माइएसिस और मिएसिस. आप इसको चाहे माइएसिस कह लो चाहे मिएसिस कह लो. और इसका कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, पैरासिटिक लार्वी जिनको हमने कहा मेगोट्स ऑफ माइएटिक फ्लाइज. अब कौन कौन सी माइएटिक फ्लाइज हैं जिनके मेगोट्स एज ए कॉजेटिव एजेंट काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या किया अपनी बॉडी पार्ट्स पर इस मेगोट्स को कैरी किया और हमारे फूड को कंटेमिनेट कर दिया. तो ह्यूमन पॉट फ्लाई, डर्मेटोबिया, ब्लो फ्लाई, क्राइसोमिया, स्क्रू फ्लाई, कोक्लियोमिया. ठीक है, स्क्रू फ्लाई का नाम है कोक्लियोमिया. मैकेनिकल वेक्टर एजेंट है कॉमन हाउस फ्लाई, जो कि इनके मेगोट्स को कैरी करेगी हमारे बॉडी, हमारे फूड तक. तो दिस हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका कैरी द पैथोजेंस ऑन देयर बॉडी पार्ट्स एंड इन देयर फीसेस एंड कंटेमिनेट अवर फूड. जैसे ही हमारे फूड पर बैठेगी इन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को, इन मेगोट्स को या फिर इनके एग्स को हमारे फूड के ऊपर डाल देगी एंड आवर फूड इज कंटेमिनेटेड. ठीक है, इन दिस वे दे स्प्रेड ए लार्ज नंबर ऑफ फूड बोर्न डिजीजेस. अगर हाउस फ्लाई मिएसिस कॉज करेगी देन इट इज नोन एज एक्सीडेंटल मिएसिस और सीडोमिएसिस. इट इज कॉज्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ एग्स और लार्वा थ्रू कंटेमिनेटेड फूड. कंटेमिनेटेड फूड, फूड को कंटेमिनेट कर दिया, एग्स और लार्वा फूड के ऊपर गिर दिए, फूड इज कंटेमिनेटेड. और जब हम इसको स्वेलो कर जाएंगे, खा जाएंगे इस फूड को, देन सीडोमिएसिस और एक्सीडेंटल मिएसिस अकर्स बिकॉज इट इज स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाइज. मिएसिस मेनली कॉमनली अकर्स इन द कंट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, जैसे कि सेंट्रल अमेरिका,
साउथ अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स। होस्ट कौन से है इसके? ह्यूमंस एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। मेनली डोमेस्टिक एनिमल्स आर कॉमन, दे आर कॉमनली अफेक्टेड, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो तो फटाफट रिएक्ट कर देते हैं, जैसे ही फूड कंटेमिनेट हुआ हमें वॉमिटिंग लग जाएगी या नोजिया हो जाएगा या स्टमक पेन स्टार्ट हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, तो हम फटाफट रिएक्ट कर देते हैं जैसे ही हमने कोई कंटेमिनेटेड फूड खाया। बट जो डोमेस्टिक एनिमल्स है दे कैन नॉट रिएक्ट एफिशियंटली, ठीक है? तो इसलिए जो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड होस्ट है दैट वाज डोमेस्टिक एनिमल्स, बिकॉज दे कैन नॉट रिएक्ट एज इफेक्टिवली एज ह्यूमंस टू द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ मीएसिस। ह्यूमन ने तो जैसे ही फूड खाया हम कहेंगे फूड पॉइजनिंग हो गई इसको, तो इसको डायरिया स्टार्ट हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, स्टमक पेन हो गया, ओके। बट डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसा कुछ भी शो नहीं कर पाते, इफेक्टिवली शो नहीं कर पाते, करते तो है बट इफेक्टिवली शो नहीं कर पाते एज ह्यूमंस। सो मोस्ट अफेक्टेड इज डोमेस्टिक एनिमल्स। अब डोमेस्टिक एनिमल्स में कौन कौन से आगे, जैसे कि डोमेस्टिक शीप कॉमनली इन्फेक्टेड एनिमल है वर्ल्ड वाइड, डोमेस्टिक शीप। क्यों? बिकॉज इसकी जो वूल होती है वो बहुत ही थिक होती है, इसका मतलब उसकी जो बॉडी कवरिंग है वो सारी वूल से कवर होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कवरिंग बहुत ही थिक होती है। तो इट मे बी सफिशियंटली कंटेमिनेटेड विद डर्ट एंड फ्लूड, उसके अंदर कंटेमिनेशन हो सकती है ड्यू टू डर्ट एंड फ्लूड, और वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है फॉर द मेगोट्स, ठीक है? तो मेनली ब्लो फ्लाई है जो कि शीप पर इफेक्ट करेगी, ब्लो फ्लाई। हमने पीछे मीएटिक फ्लाइज पढ़ी थी ना, थ्री टाइप्स की, जिसमें स्क्रू फ्लाई आ गई, ब्लो फ्लाई आ गई, ह्यूमन बॉट फ्लाई आ गई। तो उसमें जो ब्लो फ्लाई है दैट वाज द मेन पॉजिटिव एजेंट फॉर द मीएसिस इन डोमेस्टिक शीप, बिकॉज द थिक वूल ऑफ द शीप इज कंटेमिनेटेड विद डर्ट एंड फ्लूड एंड इट प्रोवाइड द बेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मेगोट्स ऑफ ब्लो फ्लाई। ऑस्ट्रेलियन शीप इंडस्ट्री है जिसको डॉलर्स में 170 मिलियन डॉलर्स इन ए ईयर लॉस होता है, हमेशा एक साल में 170 मिलियन डॉलर्स का लॉस है ऑस्ट्रेलियन शीप इंडस्ट्री को ड्यू टू दिस मीएसिस ऑफ कॉज्ड बाय द ब्लो फ्लाई। फिर आगे डोमेस्टिक काउज एंड गोट्स, इसमें मेनली जो मीएटिक फ्लाइज हैं वो है स्क्रू वॉर्म फ्लाइज, और एनुअल लॉस है $100 मिलियन पर ईयर, ठीक है? इसीलिए एनुअल लॉस कहा बिकॉज इट इज पर ईयर। अब जो मेगोट्स हैं दे ओकेजनली इन्फेस्ट वल्वर एरियाज ऑफ दीज एनिमल्स, दस इट कॉजेज वल्वर मीएसिस। वल्वर एरियाज क्या होते हैं? द जेनिटल पार्ट्स, आउटर जेनिटल पार्ट्स ऑफ दीज एनिमल्स आर मेनली इन्फेक्टेड विद द मेगोट्स, और मेगोट्स क्या हुए? लार्वी, विच आर लेगलेस, लेग्स नहीं होती उनकी। तो वल्वर एरियाज में मेनली इन्फेक्शन होती है इन एनिमल्स। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी, विच इज द ट्रांसमिशन ऑफ लार्वा ऑफ मीएटिक फ्लाइज टू ह्यूमंस बाय द हाउस फ्लाइज, ठीक है? ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इज एपिडेमियोलॉजी। अब कैसे ये लार्वा ट्रांसमिट होंगे, उसके थ्री मेथड्स है। या तो कुछ फ्लाइज क्या करती है, वो अपने एग्स को मॉस्किटो के साथ अटैच कर देंगी, और जिस टाइम पर मॉस्किटो किसी ह्यूमन बींग को बाइट करेगा या किसी को भी बाइट करेगा, तो वो एग्स उसके ऊपर छोड़ देगा, या फूड के ऊपर बैठा अगर मॉस्किटो तो फूड पे छोड़ देगा, किसी भी तरह से, मेनली बाइट के थ्रू, मेनली जो है बाइट के थ्रू वो एग्स पीपल के ऊपर छोड़ देगा, या इस तरह से ट्रांसमिट हो जाएगा लार्वा। तो सम फ्लाइज अटैच देयर एग्स टू द मॉस्किटोज विच बाइट द पीपल, ठीक है? सेकेंड मेथड है स्क्रू वॉर्म फ्लाइज के मेगोट्स का ट्रांसफर। अब ये क्या होते हैं कि जैसे कि जो मेगोट्स है वो एक तरह से सॉइल के ऊपर पड़े हुए होते हैं, ओके? जिस टाइम पर ये मेगोट्स सॉइल के अंदर है या सॉइल के ऊपर है, तो वो सॉइल कहलाएगी कंटेमिनेटेड सॉइल। और अगर हम नंगे पैर बेयर फीट उस तरह की सोयल पर चल पड़ेंगे तो हमारे स्किन के थ्रू वो हमारे अंदर पहुंच जाएंगे। तो मेगोट्स ऑफ स्क्रू वॉर्म फ्लाइज बुरो इनटू द स्किन थ्रू देयर फीट ऑफ पीपल व्हेन दे वॉक थ्रू द कंटेमिनेटेड सोयल, ओके?
तो स्क्रू वॉर्म फ्लाइज के जो मेगोर्स हैं सोइल के अंदर मिलेंगे, दैट सोइल इज कंटेमिनेटेड एंड व्हेन वी वॉक ओवर दिस सोइल बाय बेयर फीट देन द मेगोर्स एंटर इनटू अवर स्किन। ओके, थर्ड तरह का है कि भाई अगर हमारी बॉडी में कोई भी वूंड हो रहा हो या कोई भी सोर हो रहा हो, ठीक है, कोई भी जख्म हो या कोई भी फोड़ा टाइप का हो रहा हो या कोई पिंपल टाइप का हो रहा हो, देन दे फ्लाइज डिपॉजिट देयर लार्वा ऑन और नियर द वूंड और द सोर। वो उस वूंड के या सोर के पास अपने लार्वा को डिपॉजिट कर देंगी और वो फिर हमें मियोसिस कॉज करेगा। तो थ्री वेज है टू ट्रांसमिट द मेगोट्स इनटू द ह्यूमंस। ओके, क्लियर है तीनों वेज? अब यस मैम, लाइफ साइकिल मेनली हमने कहा कि कॉजेटिव जो कि मेन इफेक्टेड एनिमल है दैट वाज द शीप, ठीक है, क्योंकि उसकी थिक वूल की वजह से उसको ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है मेगोट्स को, इसलिए मेन अफेक्टेड एनिमल इज डोमेस्टिक एनिमल इज शीप। तो हम इसका जो लाइफ साइकिल पढ़ेंगे शीप के अंदर पढ़ेंगे कि पैरासाइट कैसे शीप के अंदर डेवलप होता है। तो सबसे पहले जहाँ पर मैंने पर्पल कलर से बॉक्स बना रखा है वहां से स्टार्ट करेंगे, हमारा लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है यहाँ से जहाँ पर पर्पल कलर का बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। जो फीमेल नियटिक फ्लाइज है उन्होंने एग ले कर दिए, तो लेइंग ऑफ द एग्स बाय द फीमेल नियटिक फ्लाइज, कहाँ पर एग ले करेंगी वो? डैम्प एरियाज ऑफ द शीप। डैम्प एरिया कौन से हुए? जो शीप के बटक्स होते हैं वो मेनली यूरिन और फीसिस से कवर्ड होते हैं, भरे हुए होते हैं, ठीक है। कोई भी डोमेस्टिक एनिमल आप देख लोगे कि उसका जो बटक वाला रीजन होता है दैट वाज कंटेमिनेटेड विद यूरिन एंड फीसिस। ओके, तो उस एरिया में मेनली हमने पीछे पढ़ा भी था कि वल्वर एरियाज में मेनली ये इन्फेस्ट करती है माइटिक फ्लाइज। तो वल्वर एरियाज हो गए डैम्प एरियाज या वल्वर एरियाज ऑफ द शीप विद एग्स, उस एरिया में बटक्स में जाकर ये फ्लाइज वहां पर एग लेइंग करेगी। तो लेइंग ऑफ एग्स इन द डैम्प एरियाज ऑफ शीप, ठीक है, डैम्प एरिया पता चल गया या वल्वर एरियाज, आप इसको वल्वर एरियाज भी कह सकते हैं डैम्प एरियाज भी कह सकते हैं। एग लेइंग करने के 8 आवर्स से 1 डे के अंदर अंदर एग्स की हैचिंग हो जाएगी। तो आफ्टर 8 आवर्स टू 1 डे ऑफ एग लेइंग हैचिंग ऑफ द एग्स अकर, हैचिंग हो गई तो लार्वा बाहर आ गए। लार्वा को हमने क्या नाम दिया? मेगोट्स, बिकॉज दीज आर लेगलेस, लेग्स आर एब्सेंट। तो हैचिंग ऑफ एग्स ने क्या किया? रिलीज ऑफ मेगोट्स। अब ये मेगोट्स क्या करेंगे? जो शीप की स्किन है, क्योंकि वल्वर एरियाज में अब इनकी हैचिंग हुई है, तो जो शीप की स्किन है वो अपने माउथ पार्ट से कट करेंगी। लेसिरेट मतलब कट करना, डीप कट करना, लेसिरेट मीन्स डीप कट। तो मेगोट्स लेसिरेट द स्किन ऑफ द शीप विद देयर माउथ पार्ट्स, उन्होंने शीप की जो स्किन थी उसमें डीप कट लिया है थ्रू देयर माउथ पार्ट्स एंड दिस कॉजेस सोर्स। ओके, अब क्या हुआ? इन सोर्स में टनल्स बनाकर ये मेगोट्स सबक्यूटेनियस टिश्यू में पहुंच जाएंगे शीप की। क्या किया इन्होंने? स्किन में कट किया, उसमें टनल्स बनाई और टनल्स बनाने के बाद शीप के सबक्यूटेनियस टिश्यू में मेगोट्स पहुंच गए। मेगोट्स थ्रू सोर टनल्स इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज ऑफ द शीप, शीप क्या था? होस्ट, व्हिच कॉजेस डीप एंड इरिटेटिंग लेजेस। ओके, 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज बैक्टीरियल इन्फेक्शन अकर्स। अगर इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अनट्रीटेड छोड़ दिया देन दिस इज टॉक्सीमिया और सेप्टिसीमिया, और अनट्रीटेड छोड़ने के बाद इट बिकम्स फेटल एंड इट कॉजेस एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया कॉज हो जाएगा, फेटल डिजीज है, दिस इज एनोरेक्सिया इफ अनट्रीटेड टॉक्सीमिया, सबसे पहले टॉक्सीमिया और सेप्टिसीमिया, देन इट बिकम्स फेटल एंड बिकम्स एनोरेक्सिया। फिर आती है टाइप्स ऑफ मियोसिस, मेनली 2 टाइप्स की मियोसिस को है। फर्स्ट इज ऑब्लिगेट मियोसिस, सेकंड इज फैकल्टेटिव मियोसिस। ऑब्लिगेट मियोसिस क्या डिनोट करती है? कि जो मेगोट्स है वो लिविंग टिश्यू पर फीड करेंगे, लेकिन फैकल्टेटिव में क्या होता है कि जो मेगोट्स है वो एडवांटेज लेंगे हमारे वूंड का, यानी कि हमारे कहीं पर भी वूंड हो रहा हो तो वो उसको अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं, एडवांटेज लेते हैं हमारे वूंड का, वहां पर जाकर वो एग लेइंग कर देंगे। एग लेइंग हो गई देन दे हैच इनटू द मेगोट्स। तो फर्स्ट ऑब्लिगेट मियोसिस,
इट डिनोट्स मेगोट्स फीडिंग ऑन द लिविंग टिश्यूज। इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लाई को एक लिविंग होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्लिगेट मियोसिस डिनोट्स मेगोट्स फीडिंग ऑन द लिविंग टिश्यूज। इट मीन्स फ्लाई नीड्स अ लिविंग होस्ट एज ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल। लेकिन फैकल्टेटिव में क्या हुआ कि जो मियोटिक फ्लाई है इट डिनोट्स अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वुड एज द फ्लाई लेज एग्स ऑन द वुड व्हिच हैच इनटू द मेगोट्स, ठीक है। तो ऑब्लिगेट मतलब लिविंग टिश्यू चाहिए, उसको लिविंग होस्ट चाहिए। फैकल्टेटिव मतलब वो एडवांटेज ले रही है वुड का ताकि उसके ऊपर एग लेइंग करके मेगोट्स निकल आए, उसमें से हैच हो जाए, ओके। तो ये तो होगी सिंपल टाइप की मियोसिस जो कि टू टाइप्स की होगी, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। फिर अगर हम इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ मियोसिस देखें देन इट इज ऑफ फोर टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ मियोसिस अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट, सबसे फर्स्ट आगे क्यूटेनियस और क्रीपिंग डर्मल मियोसिस जो कि स्किन पर इफेक्ट हुआ इसीलिए नाम रखा गया क्यूटेनियस। क्रीपिंग डर्मल मतलब डर्मल स्किन उसके नीचे क्रीप करता रहता है मेगोट, क्रीपिंग मूवमेंट के थ्रू वो क्रीप करता रहेगा, मूवमेंट शो करेगा जो कि हमें फील भी होगी कि हमारी स्किन के अंदर कुछ चल रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया क्रीपिंग डर्मल मियोसिस। क्यूटेनियस मतलब स्किन पर इफेक्ट हुआ। तो क्या हुआ इसमें सिम्टम्स क्या क्या है इसके, द लार्वा क्रीप थ्रू टनल्स अंडर और ऑन द स्किन, ठीक है। लार्वी कॉज बॉयल लाइक लेजेंस, बॉयल लाइक का तो मतलब अब आपको पता चल गया होगा कि जैसे जैसे हमारी बॉडी पर कुछ उबलता हुआ गिर जाए तो वो एक फोड़ा सा हो जाता है जिसमें स्किन ऊपर की तरफ फूटी हुई होती है, तो दैट वाज बॉयल लाइक लेजेंस, ठीक है। फिर आगे अगर हमारे नोज पर इफेक्ट हुआ देन इट इज नेजोफेरिंजियल मायोसिस। नेजोफेरिंजियल में नेसल पैसेज पर मेनली इफेक्ट होएगा इसीलिए इसको नेजोफेरिंजियल कहा। तो इसके सिम्टम्स हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेजल पैसेज, ठीक है। सेकेंड है सीवियर इरिटेशन, देन फेशियल ऑयडीमिया। नेक्स्ट है आईज, आईज पर इफेक्ट हुआ तो ऑफ्थैल्मिक मियोसिस जिसमें सीवियर इरिटेशन एडीमा पेन अराउंड द आईज। कल को मैं आपको है ना इसका प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगी जिसमें मैं आपको इसकी सारी फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी मियोसिस की कि भी स्किन पर इफेक्ट हुआ तो किस तरह से होएगा, नोज आईज में किस तरह से, मतलब सारा फोटोग्राफ्स के थ्रू शो करूंगी क्योंकि वो प्रैक्टिकल पार्ट है। मैं इसमें डालना मतलब भूल गई लेकिन कल को मैं आपको बता दूंगी कि कैसे स्किन मियोसिस और नोज वगैरह में होता है। फिर नेक्स्ट इज ईयर पर अगर इफेक्ट करे तो देन दिस इज ओरल मियोसिस जिसमें क्रॉलिंग सेंसेशन फील होती है, बजिंग नॉइजेस इन एंड अराउंड द एरियाज, ऐसे लगेगा कुछ जैसे बजिंग साउंड हमारे कान के अंदर या चारों तरफ हो रही है ड्यू टू दिस क्रॉलिंग सेंसेशन। समटाइम्स स्मेली डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर्स आल्सो अकर, कान में से स्मेली डिस्चार्ज सा होएगा, देन दिस इज ओरल मियोसिस, ओके। टू टाइप्स की ऊपर थी सिंपल एंड देन अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स चार तरह की ये होगी, आगे समझ में। देन ठीक है डायग्नोसिस आ गया, डेंजर सिग्नल्स क्या क्या है इसके, वन और मोर नॉन हीलिंग लेजेंस ऑन द स्किन। लेजेंस का मतलब आपको पता चल गया कि लेजेंस क्या होते हैं, तो एक भी हो सकते हैं मोर भी हो सकते हैं, नॉन हीलिंग है अब ये नॉन हीलिंग लेजेंस, जल्दी जल्दी हीलिंग नहीं होएगी इनकी। फिर इचीनेस एंड पेन अंडर द स्किन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मेगोट्स, अब हमारी स्किन के अंदर अगर कुछ भी चल रहा हो तो हमें पेन होएगा, इचीनेस बार बार हम उसको रब करेंगे खारिश सी होगी हमें, तो इचीनेस एंड पेन अंडर द स्किन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मेगोट्स। अब डिस्चार्ज फ्रॉम ए सेंट्रल टाइनी होल, इसमें क्या होता है कि पर्सन के बॉडी पर रेड कलर के स्मॉल बम्प्स नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो बम्प्स कैसे लगेंगे जैसे किसी इंसेक्ट ने हमारे को बाइट कर दिया हो, जब कोई इंसेक्ट हमें बाइट करता है तो हमारी बॉडी में छोटे छोटे से पिंपल टाइप के वो फूंसियां सी उगाती हैं, ठीक है, उनको हमने नाम दिया बम्प्स।
तो जब वो हमारी बॉडी में रेड कलर के बम्स अपियर होंगे तो हमें ऐसे लगेगा किसी इंसेक्ट ने हमें बाइट किया है, या फिर हमें ऐसे लगेगा ये पिंपल है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो बम्स स्वेलो कर जाएंगे, ठीक है? अब वो फूल गए, फूलने के बाद वो क्या होएगा उसका, वो फूट जाएंगे, ठीक है, बर्स्ट हो जाएंगे। तो बर्स्ट होने पर उसमें एक सेंट्रल टाइनी होल बन जाता है, जिससे कि हमारे पिंपल्स निकलते हैं। फिर हमारे उसमें से सेंटर में एक होल बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि वजह से हम कहेंगे अब ये रिपेयर हो रहा है। बट यहाँ पर क्योंकि दिस इज द इंसेक्ट बाइट, हाउस फ्लाई बाइट, तो उसमें से डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाएगा और वो होएगा स्मेली डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज फ्रॉम ए सेंट्रल टाइनी होल, सेंट्रल टाइनी होल का मतलब हुआ कि हमारे फेस पर या हमारी बॉडी में कहीं पर भी रेड बम्प आ गया, जो कि पहले स्मॉल था, विच लुक्स लाइक इंसेक्ट बाइट इन द बिगनिंग, या लुक्स लाइक पिंपल्स, बट सम टाइम आफ्टर इट स्वेलोस या एनलार्ज एंड ए स्मॉल ओपनिंग मे बी विजिबल एट द सेंटर। क्योंकि स्मॉल ओपनिंग सेंटर से विजिबल हो रही है, इसलिए इसका नाम दिया सेंट्रल टाइनी होल। उसमें से वो डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो डिस्चार्ज फ्रॉम ए सेंट्रल टाइनी होल, आप इसको आगे इलस्ट्रेट करके भी लिख सकते हो कि सेंट्रल टाइनी होल क्या हुआ। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द लेजिन, जो भी लेजिन हुआ या जो भी हमारी बॉडी पर ये क्या कहते हैं पिंपल लाइक का लेजिन हुआ, उसमें से एक वाइट स्ट्रक्चर ऐसे लगेगा बाहर निकल रहा है। कल को मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगी, उसमें से क्लियर हो जाएगा कि आपको कि वाइट स्ट्रक्चर कैसे प्रोट्रूडिंग आउट फ्रॉम द लेजिन, ओके? फिर आ गया ऑफ्थेल्मोमियोसिस के लिए सीरोलॉजिकल टेस्टिंग। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ बोट फ्लाई लार्वा इन ह्यूमन ऑफ्थेल्मोमियोसिस। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर यही है टू इरेडिकेट द एडल्ट फ्लाइज, उनको दूर कर दो, उनको भगा दो, ओके? अब कौन कौन सी है? फर्स्ट है इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन। इंसेक्टिसाइड में हम यूज करेंगे ऑर्गेनोक्लोरीन एंड ऑर्गेनो फॉस्फोरस। तो ये दो इंसेक्टिसाइड हैं विच आर यूज्ड इन द एनवायरनमेंट वेयर द टारगेट लाइव स्टॉक इज केप्ट। लाइव स्टॉक मतलब ये शीप, काउस, गोट्स, क्योंकि मेनली डोमेस्टिक एनिमल्स पर इफेक्ट कर रही है। ह्यूमन तो रिएक्ट कर देता है इन्फेक्शन होने पर, बट डोमेस्टिक एनिमल्स रिएक्ट नहीं कर पाते, इसलिए जहां पर भी लाइव स्टॉक हमने रखा हुआ है वहां पर इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन अप्लाई कर दो। सेकेंड है स्टेराइल इंसेक्ट ट्रीटमेंट, जो हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि भी जो मेल फ्लाइज है उनको स्टेराइलाइज करके कम्पीट करने के लिए एनवायरमेंट में छोड़ दो। अगर वो स्टेराइल मेल्स फीमेल के साथ मेट करेंगे देन नो पॉपुलेशन इज प्रोड्यूस्ड, एंड इफ फीमेल मेट विद द सिंपल वाइल्ड मेल देन दे प्रोड्यूस एग्स। इसीलिए स्टीराइल इंसेक्ट ट्रीटमेंट में स्टीराइल कर दो सारे मेल्स को और फिर उनको एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस कर दो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आर्टिफिशली रियर्ड एंड स्टीराइल मेल फ्लाइज। फिर आ गया रिमूवल ऑफ टेल ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। टेल ही रिमूव कर दो, अगर टेल रिमूव हो गई तो जो उसके वल्वर एरियाज है वो क्लीन रहना स्टार्ट हो जाएंगे। टेल की वजह से क्या होता है कि फ्लाइज को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है, क्योंकि उनके जो वल्वर एरियाज है वो यूरिन और फीसिस से ड्यू टू दिस टेल हमेशा कवर्ड रहते हैं। तो रिमूवल ऑफ टेल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स बिकॉज टेल प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द फ्लाइज। क्रचिंग ऑफ शीप, क्रचिंग क्या होता है कि जो उसकी वूल है टेल एरिया से रिमूव कर दो, ठीक है? ये टेल एरिया से एंड बिटवीन द रियर लेग्स, उसकी पीछे वाली लेग्स के और टेल वाले एरिया से वूल को रिमूव रखो, ताकि वो वाला एरिया वल्वर एरिया कहलाएगा वो उनका क्लीन रहे। तो रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम अराउंड द टेल एंड बिटवीन द रियर लेग। मुलेसिंग, मुलेसिंग क्या हुआ कि जो यंग एनिमल्स हैं उस उनकी जो वूल बियरिंग स्किन है उसको रिमूव कर दो। तो मुलेसिंग हो गया रिमूवल ऑफ वूल बियरिंग स्किन फ्रॉम द यंग एनिमल्स। और ह्यूमंस के लिए है कि सैनिटेशन रखो, पर्टिकुलरली
पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखो, आयरन क्लोथ्स डालो टू प्रिवेंट मेसिस इन ह्यूमंस. तो ह्यूमंस के लिए मेनली पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखो और सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखोगे तो आपको मेसिस नहीं हो पाएगी. ठीक है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द हाउस फ्लाई टू कॉज मेसिस. अब इसकी एक और रहती है, अच्छा इसकी थेरेपी भी है. थेरेपी है कि भी जो भी स्किन के एयर होल्स हैं, मतलब हमारी स्किन में एयर होल्स तो हैं ही, उस पे पेट्रोलियम जेली को हमेशा कवर करके रखो, यानी कि पेट्रोलियम जेली की एक कवरिंग अपनी एक्सपोज्ड एरियाज पर करके रखो. इससे क्या होएगा कि भी पेट्रोलियम जेली की कवरिंग हो गई तो हमारी बॉडी में एरेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो मेगोट्स हमारी बॉडी के अंदर है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उसको फोर्सेप के थ्रू बाहर निकाल दो. तो कवरिंग ऑफ एयर होल्स ऑफ द स्किन विद थिक पेट्रोलियम जेली बिकॉज दिस कॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन विच फोर्सेस द लार्वा टू द सरफेस. आफ्टर दैट द लार्वा आर लिफ्टेड विद फोर्सेप. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया पेट्रोलियम जेली वाला. नेक्स्ट है कि हमारी बॉडी में लेजिंस हो गए, ठीक है, जो कि मीसिस ने कॉज करे. आप उसको अगर दोनों तरफ से प्रेशर डालोगे तो क्या होएगा कि उसके अंदर जो लार्वा है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसको फोर्सेप से निकाल कर फेंक दो और बाद में उस वुंड को क्लीन कर लो किसी भी डिसइंफेक्शन से. तो लार्वा कैन आल्सो बी एलिमिनेटेड बाय द प्रेशर अराउंड द लेजिन एंड यूज ऑफ फोर्सेप. जैसे कि हमारे पिंपल हो जाता है तो उसमें हम कहते हैं कि माउथ बन गया, तो अगर हम उसको प्रेशर डालें तो उसका वो माउथ जो होता है वो उसमें से डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाता है. तो सेम इसी तरह जहां पर भी कोई लेजिन बना हुआ है उसके चारों तरफ अगर हम प्रेशर देंगे तो वो जो लार्वा उसके अंदर है, मेगोट उसके अंदर है, वो बाहर निकल आएगा. ठीक है, आफ्टर दैट द वुंड मस्ट बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड टू अवॉइड री इन्फेस्टेशन. ठीक है, फिर आ गया कि अगर हमने लाइफ जो हमारा लाइफ स्टॉक है उसको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देनी हो, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो उनका ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए आइवरमेक्टिन कंटेनिंग ब्लाउसेस से. ओके, तो आइवरमेक्टिन कंटेनिंग ब्लाउसेस को लाइफ स्टॉक एनिमल्स की अगर हम ट्रीटमेंट कर देंगे देन इट विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट लार्वल डेवलपमेंट. फिर आ गया डिपिंग ऑफ शीप इन परसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड. शीप को पूरा का पूरा ही डीप कर दो एक इंसेक्टिसाइड के अंदर ताकि कोई भी लार्वा हो वो पॉइजन होकर वहीं मर जाए. ठीक है, तो डिपिंग ऑफ शीप इन परसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड टू पॉइजन द लार्वा, मतलब उसको नहला दो इंसेक्टिसाइड से किसी भी कंटेनर में, इंसेक्टिसाइड और पानी का सोल्यूशन बनाकर डीप को उसके अंदर नहला दोगे तो जो लार्वा अगर उसके ऊपर होगा भी तो वो पॉइजन होकर मर जाएगा. So these are the four treatments of mesis. Mainly domestic animals को cause करती है, human beings अपने आप को through petroleum jelly. तो आप ये देखोगे कि this slide shows how housefly maggots affects the skin. Cutaneous mesis आप देखोगे कि first उसमें आप देखोगे कि skin के ऊपर एक hole बना हुआ है. तो हमने पढ़ा था सेंट्रल टाइनी होल प्रोड्यूस हो जाता है. तो आप ये देखोगे कि ये सेंट्रल टाइनी होल बन गया है इसकी स्किन के अंदर. तो ये देखोगे कि लेजिन है, ये देखो इसके चारों तरफ ये लेजिन दिख रहा है जिसके अंदर बिल्कुल सेंटर में एक सेंट्रल टाइनी होल बन गया है. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ए स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द लेजिन्स. ठीक है, यानी कि स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर लेजिन के अंदर से निकलता हुआ अगर हम उसको चारों तरफ से प्रेस करेंगे तो वो चारों बीच में से निकलता हुआ दिखाई देगा, अपीयर होएगा, फिर हम उसे फोर्सेप की हेल्प से निकाल लेंगे. तो आप देखोगे कि साइड में जब उस पर प्रेशर डाला लेजिन के ऊपर, जब सेंट्रल टाइनी होल बन गया, हमने उस लेजिन के चारों तरफ प्रेशर डाला तो उसके अंदर से ये देखो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर प्रोट्रूड हो रहा है. प्रोट्रूड मतलब बाहर निकल रहा है, फिर उसको फोर्सेप से हम खींच रहे हैं. नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक मायसिस. ये देखो आईज के अंदर से, ये आप देखोगे कि ये आईज के नीचे से ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ऑप्थेल्मिक, दिख रहा है ना ये वाइट सा निकलता हुआ. फिर ये अयूरल जो कि ईयर्स के है, ईयर्स के इसमें देखोगे आप इसके ऊपर एक होल बना हुआ है ईयर के बिल्कुल ऊपर.
और ये नेजोफ्रेंजियल जिसमें नोज के उसके अंदर दिखा रखा है, नोज के अंदर क्लियर है ये डायग्राम? अब चारों डायग्राम कहेंगे फोटोज जो कि क्लियरली शो कर रही है फोर टाइप्स ऑफ मियोसिस विच अफेक्ट अवर बॉडी पार्ट्स, फोर बॉडी पार्ट्स, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑन द बॉडी पार्ट्स दिस मायोसिस इज ऑफ फोर टाइप्स। बस ये मुझे आज आपको अभी चार दिखानी थी, इसके बाद हम अपना टॉपिक करेंगे। सेकेंड काइंड ऑफ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द हाउस फ्लाई इज बेसिलरी डायसेंट्री और शाइजिलोसिस, ठीक है? तो शाइजिलोसिस नेम रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म विच इज ए बैक्टीरिया शाइजेला। इसी बैक्टीरिया के बेस पर इस डिजीज का नाम रखा गया शाइजिलोसिस। दिस इज द एक्यूट फॉर्म ऑफ ह्यूमन डायसेंट्री, ठीक है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आ गया शाइजेला बैक्टीरिया विच इज नॉन मोटाइल एनारोबिक रोड लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया की, शाइजेला बैक्टीरिया की फोर सीरो ग्रुप्स है, ठीक है? तो कोई भी कॉज कर सकता है बेसिलरी डाइसेंट्री को, ओके? फर्स्ट इज शाइजेला सोनई, सबसे कॉमन फॉर्म है, माइल्डेस्ट फॉर्म है, ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, इसलिए माइल्डेस्ट फॉर्म एंड कॉमनेस्ट फॉर्म इज शाइजेला सोनई। फिर आता है शाइजेला बॉयडी, फिर आता है शाइजेला फ्लेक्सनेरी विच इज प्रीडोमिनेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड मोर कॉमन इन द फिलीपाइंस। चाइना रिपोर्टेड शाइजेला फ्लेक्सनेरी 2A। अब इसकी भी फर्दर सब टाइप आ गई, शाइजेला फ्लेक्सनेरी की, शाइजेला फ्लेक्सनेरी 2A एज द मोस्ट कॉमन सीरोटाइप इन चाइना, दिस इज रिपोर्टेड बाई चाइना। फिर फोर्थ सीरोटाइप आ गई इसकी, शाइजेला डाइसेंट्री, ठीक है? मोस्ट इंफेक्शियस है दिस शाइजेला डाइसेंट्री। अब ये शाइजेला नाम दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ ए जैपनीज रिसर्चर शाइजा, शाइजा के नाम पर इसका, इस बैक्टीरिया का नाम दिया गया शाइजेला, ओके? तो आपको ये चारों सीरो ग्रुप्स पता होना चाहिए, सीरो टाइप्स पता होनी चाहिए शाइजेला बैक्टीरिया की, विच इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ शाइजिलोसिस बेसिलरी डाइसेंट्री। फिर आ गया इसका ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज और एपिडेमियोलॉजी। मेन सोर्स है इन्फेक्टेड पेशेंट्स, या फिर कैरियर्स हो या फिर इन्फेक्टेड हो, ओके? रूट है इसका डायरेक्ट एंड ओरल, एंड इट फॉलोज फिको ओरल रूट। तो अब हम इसका रूट स्टार्ट करेंगे इन्फेक्टेड पर्सन, जहां मैंने जिस बॉक्स में इन्फेक्टेड पर्सन लिखा हुआ है, हम वहां से इसका ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगे, फ्लो डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो जहां पर इन्फेक्टेड पर्सन लिखा हुआ है, आप इन्फेक्टेड है तो इसका मतलब उसके अंदर बैक्टीरियल सिस्ट प्रेजेंट है, इसीलिए हमने उसको कहा दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड। तो इन्फेक्टेड पर्सन विद बैक्टीरियल सिस्ट, ठीक है? अब इसके अंदर बैक्टीरियल सिस्ट प्रेजेंट है शाइजेला बैक्टीरिया की, वो क्या करेगा, जिस टाइम पर वो फीसिस आउट करेगा अपनी बॉडी से, तो वो इसके साथ बैक्टीरियल सिस्ट को भी एक्सपेल आउट कर देगा, ठीक है? तो एक्सपेल्ड सिस्ट अलोंग विद द फीसिस। अब आपको पता है हाउस फ्लाइज मैकेनिकल वेक्टर है, वो गंध पर बैठेंगी तो वो क्या करेंगी, अपने बॉडी पार्ट्स पर उस वहां फीसिस से सिस्ट को कैरी कर लेगी, तो सिस्ट उनकी बॉडी पार्ट्स पर आ गई, और जिस टाइम पर वो हमारे फूड या वाटर पर बैठेंगी हाउस फ्लाइज, तो वो उस सिस्ट को हमारे फूड और वाटर में ट्रांसफर कर देगी, तो इस तरह से हमारे फूड एंड वाटर बिकम्स कंटेमिनेटेड, ठीक है? तो एक्सपेल्ड सिस्ट अलोंग विद द फीसिस बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, हाउस फ्लाई एक्ट्स एज ए मैकेनिकल वेक्टर, इट कैरी सिस्ट फ्रॉम फीसिस ऑन देयर बॉडी पार्ट्स एंड ट्रांसफर द सिस्ट टू अवर फूड एंड वाटर टू मेक फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड। अब फूड एंड वाटर कंटेमिनेट हो गया, लेकिन इस बैक्टीरियल सिस्ट के सर्वाइवल का कुछ टाइम पीरियड है, ठीक है? तो हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या हमारी सोयल है, वहां पर ये बैक्टीरियल सिस्ट 1 से 2 वीक्स तक सर्वाइव कर पाएगी। और अगर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो 60 डिग्री टेम्परेचर पर ये 30 मिनट्स तक सर्वाइव कर सकता है बैक्टीरियल सिस्ट, ठीक है? तो अब इसका सर्वाइवल रेट भी काफी है। तो अब क्या हुआ कि इस कंटेमिनेटेड फूड, वाटर या मिल्क, जो कुछ भी है हमारी फूड आइटम्स, अगर वो एक दूसरा पर्सन इंजेस्ट कर जाए,
तो बैक्टीरियल सिस्ट उसके अंदर एंटर कर गई। अब ये हाईली इंफेक्शियस बैक्टीरिया है और सिर्फ 10 ऑर्गेनिज्म अगर एक पर्सन के अंदर चले जाए देन दीज 10 ऑर्गेनिजम्स आर एनफ टू कॉज डिजीज। ओके, तो क्या हुआ, इंजेक्शन बाय अनदर पर्सन ऑफ दिस कंटेमिनेटेड फूड मिल्क और वाटर, इंजेक्शन ऑफ जस्ट 10 ऑर्गेनिज्म इज एनफ टू कॉज डिजीज और फिर वो बन गया इन्फेक्टेड पर्सन और इस तरह से इसका ट्रांसमिशन चलता रहेगा। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है usually 1 to 3 days होता है but maybe up to 7 days। Yes ma'am। ये रहे फिर आगे इसके risk factors और leading causes of the infection। सबसे बड़ी बात poor hygienic conditions, फिर overcrowding, okay? फिर आ गया improper storage of food, हम cover करके नहीं रखते या किसी भी वजह से वो बाहर पड़ा रहता है तो वो सारा हो गया हमारा। इसीलिए road side जो रेडिया खड़ी होती है फूड कॉर्नर्स होते हैं वहां से ज्यादातर हमें फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो अनकवर्ड फूड को सेल करते हैं जिसकी वजह से हाउस फ्लाई का अटैक तो होएगा ही होएगा उसके ऊपर। तो दिस इज द इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, पुअर हाइजेनिक कंडीशंस एंड ओवर क्राउडिंग आर द रिस्क फैक्टर्स और लीडिंग कॉजेज ऑफ द इन्फेक्शन। फिर आगे इसके सिम्टम्स, अब सिम्टम्स क्या है, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, अचानक आपको फीवर हो गया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं आपकी बॉडी में, नोजिया है, वॉमिटिंग है या डायरिया है, ब्लडी स्टूल्स ड्यू टू इन्वेजन, आपकी बॉडी के अंदर इन्वेजन यानी कि जख्म हो गए हैं जिसकी वजह से जब आप फीसिस आउट करोगे तो वो ब्लड उसमें अपियर होएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स, ठीक है। फिर बैक्टीरियल एंटीजन्स मे आल्सो कॉज क्रॉनिक एंथ्राइटिस, क्रॉनिक एंथ्राइटिस तक हो सकती है। अब क्या होता है कि जिस टाइम पर बैक्टीरिया अब हमारे अंदर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन तो होएगा ही, तभी उसको स्वियर होएगी डिजीज। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है शाइजेला टॉक्सिन, ठीक है, वो हमारी किडनी पर और हमारी इंटेस्टाइन पर इफेक्ट करेगी। तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस शाइजेला टॉक्सिन्स विच कैन डैमेज इंटेस्टाइन पर किया तो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कॉलन विच कॉजेस हेमरेजिक कोलिटिस सिंड्रोम, और अगर किडनी पर किया तो उसके एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलाई कॉजेस हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। और ये मेनली यंग चिल्ड्रंस में होता है क्योंकि उनको ज्यादा शौक होता है कि हम रोड साइड फूड कुछ भी खा ले, तो ज्यादातर दिस डिजीज अक्कर्स इन द यंग चिल्ड्रन। जो बड़े पर्सन होंगे वो सोच के खाएंगे कि नहीं भाई ये नहीं खाना, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट यंग जनरेशन थोड़ी सी ज्यादा एंथुसियास्टिक होती है, वो खा जाती है। यस मैम। नेक्स्ट आ गया डायग्नोसिस ऑफ बेसिलरी डायसेंट्री, तीन मेथड्स हैं इसको डायग्नोस करने के, फर्स्ट इज कल्चरिंग मेथड, सेकेंड इज सिग्मोइडोस्कोपी, नेक्स्ट इज डीएनए एनालिसिस बाय द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। ओके, तो हमारी बुक में जो एक्सप्लेन कर रखा है दैट वाज द कल्चरिंग मेथड। तो इन्होंने फीसिस में मेनली एक्सपेल आउट होता है बैक्टीरिया, तो फीकल बैक्टीरिया ले लिया इन्होंने और उसको एगार मीडिया पर कल्चर किया, ठीक है। तो एगार मीडिया क्या करेगा कि शाइजेला बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो परमिट करेगा लेकिन जो हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया है ई कोलाई उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो फीकल बैक्टीरिया इज कल्चर्ड ऑन द सिलेक्टिव मीडिया लाइक एगार मीडिया और इट परमिट्स ग्रोथ ऑफ एंटेरिक शाइजेला बैक्टीरिया बट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फ्लोरा लाइक ई कोलाई, ठीक है। एगार मीडिया पे जब हमने इसको कल्चर कर दिया उसके 6 to 8 hours के बाद क्या होएगा, एक कलरलेस कॉलोनी की फॉर्मेशन होगी उस एगार मीडिया पर। अगर कलरलेस कॉलोनी की फॉर्मेशन हो जाती है इट मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। इसको भी फर्दर कंफर्म किया जाता है तीन मेथड्स के थ्रू, ग्राम स्टेनिंग मेथड यूज कर लो, चाहे हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन यूज कर लो, चाहे बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू इसको फर्दर कंफर्म कर लो कि पक्का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है। फिर आगे इसके प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ प्रोफाइलेक्सिस, तो इसमें आ गया कि इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी आइसोलेटेड, maintaining good personal food and environmental hygiene to prevent food borne diseases,
washing hands with liquid soap and water before eating or handling food and after going to toilets, drinking only boiled water or bottled water from reliable sources, avoid eating raw vegetables, eat only thoroughly cooked food. No vaccine is yet available. कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए, ठीक है? और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? शाइजेला अकाउंट्स फॉर 10-20% डायरिया केसेस वर्ल्ड वाइड. पूरे वर्ल्ड में 10-20% तक परसेंट अगर डायरिया कॉज होता है तो ड्यू टू दिस शाइजेला बैक्टीरिया होता है. एंड एवरी ईयर ओवर 140 million persons आर इन्फेक्टेड. और उसमें जो मोस्टली चिल्ड्रन एंड एल्डर्स हैं तो उसमें से 6 लाख पर्सन काउंट होते हैं, मोस्टली चिल्ड्रन एंड एल्डर्स. एंड इन यूएसए एवरी ईयर अबाउट 30,000 पर्संस आर अफेक्टेड बाय दिस शाइजेला बैक्टीरिया. थेरेपी, वैक्सीन तो है ही नहीं इसकी, तो फर्स्ट है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसमें वाटर सॉल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन होता है. आप देखोगे कि ओआरएस का घोल मिलता है क्योंकि ये डायरिया, इसको मेनली डायरिया एंड वॉमिटिंग कॉज होती है इसके अंदर. तो जैसे ओआरएस का घोल मिलता है ना, आप कहते हैं सॉल्यूशन मिल रहा है, ओआरएस के पैकेट्स मिलते हैं, तो वो ओआरएस क्या है, यही ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वाटर सॉल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ड्यू टू वॉमिटिंग और डायरिया. एंड ज्यादा हो जाए डिजीज तो क्या करेंगे, इंट्रावीनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज डन. और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, अमीबोसाइडल ड्रग्स टू किल द पैरासाइट. एंड एंटीबायोटिक में आ गया सिप्रोफ्लेक्सिन, सिप्रोफ्लेक्सिन एंटीबायोटिक होगी, और एंड अमीबोसाइडल ड्रग हो गई टू किल द पैरासाइट. वो होता है ना पेट के कीड़े मारने के लिए भी दवाई देते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, इसको भी हम क्या कहेंगे, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रेजेंट है देन दिस ड्रग इज गिवन. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड यूजली गिवन, या फिर ओआरएस का सॉल्यूशन. फिर आगे हमारा कंट्रोल ऑफ हाउस फ्लाइज, कैसे कंट्रोल करेंगे हम हाउस फ्लाइज को. सबसे फर्स्ट मेथड इज द नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड के 4 मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है बाय द यूज ऑफ होम मेड फ्लाइज रेपेलेंट्स. हम कैसे फ्लाइज रेपेलेंट्स को घर में बना सकते हैं जो कि सबसे इकोनॉमिक पड़ेगा एंड बेस्ट मेथड पड़ेगा. तो इन्होंने क्या किया कि एक टिन ले लिया, उसके अंदर कॉटन का क्लॉथ रख दिया. फर्स्ट मेथड होम मेड फ्लाइज रेपेलेंट्स बनाने का फर्स्ट मेथड है, एक टिन कैन ले लो, उसके अंदर कॉटन क्लॉथ रखो और उसके अंदर इंसेक्ट रेपेलेंट ऑयल है, जैसे कि लेवेंडर ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल, उसके अंदर डाल दिया, क्लॉथ में आ गया, उसको कवर करके रख दो 24 आवर्स के लिए. आफ्टर 24 आवर्स जब आप उस टिन कैन को ओपन करोगे, ओपन करके उसको अपने घर के कॉर्नर्स में जगह जगह पर रख दो इन कैंस को, तो उससे क्या होएगा कि ऑयल की एरोमा से फ्लाइज भाग जाएंगी, ठीक है. सेकेंड मेथड में क्या है, नींबू लो, लेमन लो, उसको बीच में से काट दो और उसके अंदर 5-6 क्लोव्स रख दो. ये आपको दिख रही है ना लॉन्ग रखी हुई इसके अंदर, तो क्लोव्स रख दी इसके अंदर, ऐसे रखनी है कि उसकी बर्ड आउटसाइड रहे, ठीक है. फिर इस नींबू को आप अपने सेंट्रल पॉइंट, घर के किसी भी सेंट्रल पॉइंट पर रख दो और इसके एरोमा से जो फ्लाइज है वो चेस्ट अवे यानी कि भाग जाएंगे. दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल मेथड टू गेट रिड ऑफ फ्लाइज एट होम, ठीक है. नींबू सबके घरों में मिलता है, लॉन्ग पड़ी हुई होती है तो ये बड़ा आराम से यूज हो सकता है. नेक्स्ट है थर्ड मेथड ऑफ होम मेड नेचुरल फ्लाइज रेपेलेंट्स के लिए, कि आप मिंट ले लो, बेसिल ले लो, क्राइसेंथेमम ले लो, क्राइसेंथेमम या मैरीगोल्ड ले लो, तो आप उसको ड्राई करके, उसको क्रश करके बाउल में रखकर अपने घर में जगह जगह रख दो, तो इससे भी फ्लाइज भाग जाएंगी. या फिर एक स्प्रे बॉटल में विनेगर डालकर उसका स्प्रे सारे घर में कर दो, तो उससे भी फ्लाइज भाग जाएंगी.
तो ये चार मेथड्स है होममेड फ्लाइज रेपेलेंट्स बनाने। नेचुरल मेथड में सेकंड, होममेड फ्लाई ट्रैप कैसे बनाओ, कैसे यूज करो और बनाओ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एप्पल सिडार विनेगर होता है, उसको हीट करके एक ग्लास जार में फिल कर लो। उसके बाद उसके ऊपर एक लिड लगा दो, लिड में छोटे छोटे होल कर दो, ठीक है। इतने होल करो कि फ्लाइज उस जार के अंदर एंटर कर सके। अब एप्पल सिडार विनेगर से जो एरोमा उठेगा उससे फ्लाइज उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। लिड में हमने इतना बड़ा होल कर रखा है कि फ्लाई उसके अंदर चली जाए और उसके अंदर जाकर वो फ्लाई मर जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, ट्रैप होने के थोड़ी देर बाद मर जाएगी। तो हीट द एप्पल सिडार विनेगर, फिल इन ए ग्लास जार, प्लेस अ लिड ऑन द ग्लास जार, मेक सम होल्स इन द लिड सो दैट द फ्लाइज कैन एंटर इन द जार, द फ्लाइज विल बी अट्रैक्टेड बाय द एरोमा ऑफ द एप्पल सिडार विनेगर, ठीक है। सेकेंड मेथड है फ्लाई ट्रैप का, कि विनेगर एंड फ्रूट सेंटेड डिश सोप का एक सॉल्यूशन बनाकर उसको स्प्रे बॉटल में डाल दो, या फिर एक जार में रखोगे तो विनेगर और फ्रूट सेंट की एरोमा से फ्लाई उसके अंदर आएगी, बीकर के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर जो जिसमें भी आप रखोगे, और उसमें ट्रैप होकर मर जाएगी। और या फिर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो रूम के अंदर, जिसकी वजह से फ्लाई मर जाएगी, ठीक है। थर्ड मेथड है हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस को यूज करना बाय फॉलोइंग गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें क्या है कि ऐसा कोई ब्रीडिंग स्पेस आपके घर में हो ही ना जिसमें फ्लाई आकर ब्रीडिंग कर सके, ठीक है। तो बाय फॉलोइंग गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस टू रिमूव पॉसिबल फ्लाई ब्रीडिंग साइट्स टू रिस्ट्रिक्ट देयर ब्रीडिंग। फोर्थ मेथड है जिसमें हमने दो मेथड यूज करे, ट्रैप्स हैं ये भी। एक ट्रैप हमने यूज किया स्टिकी ट्रैप, सेकंड हमने यूज किया यूवी लाइट ट्रैप। तो फर्स्ट स्टिकी ट्रैप्स, यूज ऑफ स्टिकी ट्रैप्स टू रिड्यूस हाउस फ्लाई पॉपुलेशन। और स्टिकी ट्रैप्स में हमारे आगे रेजिन ट्रैप्स। अब रेजिन चिपचिपा होता है इसलिए उसको कह दिया स्टिकी ट्रैप, ठीक है ना। तो रेजिन ट्रैप्स विच आर कॉल्ड फ्लाई एपर्स शुड बी हैंग इन द इंफेस्टेड एरिया, जगह जगह हैंग कर देंगे जहां पर एयर की मूवमेंट या तो हो ही ना या बहुत ही कम हो, ठीक है। तो हमने स्टिकी रेजिन ट्रैप्स अपने घर में जगह जगह हैंग कर दिए, और ऐसी जगह पर जहां पर एयर की मूवमेंट ना बराबर हो, नहीं हो तो थोड़ी हो, नहीं तो हो ही ना, एब्सेंट हो, ओके। सेकेंड है यूवी लाइट ट्रैप्स टू रिड्यूस हाउस फ्लाई पॉपुलेशन। अब क्या होता है, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक फ्लाई ट्रैपर्स, ये क्या करेंगे, यूवी लाइट को एमिट करेंगे जिसकी वजह से फ्लाइज उसकी तरफ अट्रैक्ट होएगी और फिर इलेक्ट्रिसिटी उसको किल कर देगी, ठीक है। तो यूज ऑफ यूवी लाइट ट्रैप्स टू रिड्यूस हाउस फ्लाई पॉपुलेशन, यूवी लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक फ्लाई ट्रैप्स अट्रैक्ट्स द फ्लाइज विच आर देन किल्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर द फोर मेथड्स विच आर द नेचुरल मेथड्स टू कंट्रोल हाउस फ्लाई, ठीक है। अब हम चलेंगे केमिकल कंट्रोल की तरफ। केमिकल कंट्रोल में टू टाइप्स के कंट्रोल है, या तो हम इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे या फ्लाई बेट को यूज करेंगे। तो फर्स्ट इज इंसेक्टिसाइड कंटेनिंग फ्लाई बेट्स, मतलब बेट के अंदर भी हम इंसेक्टिसाइड डालेंगे, यानी कि इंसेक्टिसाइड तो यूज करना ही करना है। तो बेट हम क्या से तैयार करेंगे, बेट के अंदर एक तो शुगर बेस लेंगे हम, ताकि उसकी तरफ फ्लाई अट्रैक्ट हो सके, कि मीठे मीठे की तरफ आएगी ना फ्लाई। तो हमने एक शुगर बेस लिया, उस शुगर बेस में हमने फ्लाई अट्रैक्टेंट कंपाउंड डाल दिया। आप फ्लाई अट्रैक्टेंट कंपाउंड तो अपने एरोमा से उसको अपनी तरफ खींचेगी, और शुगर बेस है तो उस पर जाकर पेस्ट होकर वो मर जाएगी, ओके। तो शुगर बेस है उसको खाएगी और मर जाएगी। तो इंसेक्टिसाइड कंटेनिंग फ्लाई बेट्स आर वेरी कॉमनली यूज टू सुप्रेस हाउस फ्लाई पॉपुलेशंस। These fly baits are usually sugar based and contain a fly attractant compound. The flies which feed on these baits are killed by the insecticide, and commonly used fly baits are quick bay and golden melvin. ठीक है, दो फ्लाई बेट्स है, क्विक बे
एंड गोल्डन मेलरिन, कंपनीज के नेम है, कंपनी अपने नेम से बेच रही है क्विक बे एंड गोल्डन मेलरिन। सेकेंड है पायरीथ्रॉइड बेस्ड इंसेक्टीसाइड। पायरीथ्रॉइड क्या है, एक तरह का इंसेक्टीसाइड है जो कि क्या है कि एक मिमिक्री का काम करेगा। कौन से कंपाउंड की मिमिक्री करेगा, पायरीथ्रम। पायरीथ्रम क्या है कि भी जो क्राइसेंथेमम के फ्लावर्स होते हैं उनको ड्राई करके क्रश करके जो उसका एक्सट्रैक्ट आता है उसको हम कहेंगे पायरीथ्रम। ठीक है, तो क्या करता है पायरीथ्रॉइड, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है जो कि मिमिक्री करेगा लाइक द पायरीथ्रम। पायरीथ्रम नेचुरल कंपाउंड है जो कि क्राइसेंथेमम, अब क्राइसेंथेमम के प्लांट्स तो नेचुरली हुए ना, उससे जो कंपाउंड मिला क्राइसेंथेमम से, क्राइसेंथ्रम का एंथ्रम का कंपाउंड है पायरीथ्रम। ओके, दिस इज द नेचुरल कंपाउंड और मिमिक्री करेगा सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड विच इज पायरीथ्रॉइड। ओके, तो आपको नेचुरल कंपाउंड का नेम पता होना चाहिए पायरीथ्रम। पायरीथ्रम कहाँ से मिलेगा, क्राइसेंथेमम से मिलेगा। तो हमें नेचुरल कंपाउंड और उसका ओरिजिन पता होना चाहिए और सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड का नाम पता होना चाहिए जो कि उसकी मिमिक्री करेगा इन द इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये दो हो गए हमारे केमिकल कंट्रोल। फिर आ गया बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में आगे पैरासिटिक वास्प स्प्लेंजिया, ये जो डायग्राम इधर फोटो बनी हुई है दिस इज द पैरासिटिक वास्प स्प्लेंजिया एंड द फायर एंट्स। लेकिन हम चाहे कोई भी बायोलॉजिकल कंट्रोल कर ले वो सफिशिएंट नहीं है, हमें उसके साथ केमिकल कंट्रोल या कोई भी नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रोल लगाना ही पड़ेगा। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ हाउसफ्लाई। वी हैव टू अप्लाई बायोलॉजिकल कंट्रोल इन कम्बिनेशन विद केमिकल कंट्रोल और नेचुरल कंट्रोल। ठीक है, तो हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल, सिर्फ बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं लगा सकते, हमें उसके साथ चाहे नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रोल लगाना पड़े चाहे केमिकल मेथड ऑफ कंट्रोल लगाना पड़े, लगाना पड़ेगा। तो पैरासिटिक वास्प प्लेंजिया एंड फायर एंट्स आर एम्प्लॉयड टू सप्रेस हाउसफ्लाई पॉपुलेशंस नेचुरली। दो द पैरासिटिक वास्प किल द प्यूपी ऑफ द हाउसफ्लाइज बट दीज टेक लॉन्ग टाइम टू वर्क एंड दे अलोन विल नॉट एलिमिनेट ए हाउसफ्लाई पॉपुलेशन। टाइम भी लॉन्ग लेंगे और एलोन में खत्म भी नहीं कर सकते हाउसफ्लाई की पॉपुलेशन को। सो द बायोलॉजिकल कंट्रोल इज यूजली एम्प्लॉयड इन कम्बिनेशन विद अदर मेथड्स, और अदर मेथड्स में आगे हमारे केमिकल मेथड एंड नेचुरल मेथड।